हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपक है और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नैब डेली ऑनलाइन में। तो ये टॉकबैक 9.1 का थर्ड पार्ट है, तो आइए हम देखते हैं। इसमें टॉकबैक सेटिंग में जाते हैं। टॉकबैक मेन्यू, कॉपी लास्ट, हाइट्स, वॉइस कमांड, फास्टर, टॉकबैक सेटिंग्स 7 of 8, टॉकबैक सेटिंग्स, कस्टमाइज गेस्चर्स इन लिस्ट। तो हमने देखा कि कंट्रोल साउंड एंड वाइब्रेशन पीछे देख लेता हमने, कस्टमाइज गेस्चर्स, कस्टमाइज मेन्यू भी देख लिया था, कस्टमाइज गेस्चर्स नहीं देखे थे। कस्टमाइज गेस्चर्स क्या क्या चीजें हैं? कस्टमाइज गेस्ट प्रैक्टिस गेस्चर्स इन लिस्ट। ओके, यहां से प्रैक्टिस गेस्चर्स हैं। रीसेट जेस्चर सेटिंग्स, रीसेट भी कर सकते हैं हम इनको। वन फिंगर, ओके, वन फिंगर से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं? स्वाइप अप, मूव नेविगेशन, फोकस बैकवर्ड और एडजस्ट रीडिंग कंट्रोल अप। ओके, स्वाइप अप, स्वाइप डाउन, मूव नेविगेशन, फोकस फॉरवर्ड और एडजस्ट रीडिंग कंट्रोल डाउन। ओके, स्वाइप लेफ्ट, प्रीवियस आइटम, स्वाइप लेफ्ट, प्रीवियस आइटम। ओके, स्वाइप राइट, नेक्स्ट आइटम, स्वाइप राइट, नेक्स्ट आइटम। ठीक है, तो ये एकदम टॉकबैक के आपको जो मतलब नए यूज़र हैं जिनको बिल्कुल भी मतलब टॉकबैक चलाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये बेसिकली उनके लिए है। वो इनको इस ट्यूटोरियल को सही से देखें तो वो आराम से यूज़ कर सकते हैं कि राइट में जाएंगे तो राइट ऑप्शन आएगा, लेफ्ट में जाएंगे तो बैक आएगा। तो ये चीज़ें हैं इसमें अच्छे से बताई गई हैं। मैं आपको ये पूरा सुनाता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे ये गाइड करता है। वन फिंगर बैक एंड फोर्थ, ओके, वन फिंगर एंड देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें। और स्वाइप अप देन डाउन, प्रीवियस रीडिंग कंट्रोल, स्वाइप डाउन देन अप, नेक्स्ट रीडिंग कंट्रोल, स्वाइप लेफ्ट देन राइट, स्क्रॉल बैक, स्वाइप राइट देन लेफ्ट, स्क्रॉल फॉरवर्ड, स्वाइप वन फिंगर एंगल, स्वाइप अप देन लेफ्ट होम, स्वाइप अप देन लेफ्ट होम। ओके, ये वन फिंगर एंगल बता रहा है कि एंगल से हम कैसे कर सकते हैं। स्वाइप अप देन राइट, ओपन टॉकबैक मेन्यू, स्वाइप अप देन राइट, ओपन, वन फिंगर एंगल से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। स्वाइप अप देन लेफ्ट होम, ओके, स्वाइप अप देन राइट, ओपन टॉकबैक मेन्यू, ओके, स्वाइप डाउन देन लेफ्ट बैक, ठीक है, स्वाइप डाउन देन राइट, ओपन टॉकबैक मेन्यू, ओके, स्वाइप लेफ्ट देन अप ओवरव्यू, ओके, स्वाइप लेफ्ट देन डाउन स्क्रीन सर्च, ठीक है, स्वाइप राइट देन अप टैप टू असाइन, swipe right then up tap to assign, swipe right then down notifications, fingerprint gestures, okay, fingerprint mein dekhte hain kya kya cheeze milenge hame. Swipe up on fingerprint sensor, previous reading control, okay, swipe down on fingerprint sensor, next reading control, okay, swipe left on fingerprint sensor, tap to assign, okay, swipe right on fingerprint sensor, tap to assign. Out of list to recorder. Okay, ये चीजें इसमें navigate up button, जो भी नए यूजर हैं टॉकबैक 9.1 के या फिर टॉकबैक जिनको बिल्कुल चलाना नहीं आता है, तो वो इन ट्यूटोरियल को देखेंगे, गेस्चर्स को देखेंगे, तो उनको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी कि हम कैसे चला सकते हैं फोन को, एंड्रॉयड फोन को। तो और देखते हैं, बैक में जाता हूँ। टॉकबैक सेटिंग, कस्टमाइज मेन्यूज, कस्टमाइज मेन्यू हमने पीछे एक्सप्लोर कर लिया था। ब्रेल कीबोर्ड, ओके, ब्रेल कीबोर्ड में हम देखते हैं क्या क्या। ब्रेल कीबोर्ड में दो लैंग्वेज और ऐड हुई हैं। ब्रेल कीबोर्ड, ब्रेल कीबोर्ड, सेटअप ब्रेल कीबोर्ड इन लिस्ट, यहाँ से हम सेटअप ब्रेल कीबोर्ड सेटअप कर सकते हैं। टाइपिंग लैंग्वेजेस, यूनिफाइड इंग्लिश ब्रेल, टाइपिंग लैंग्वेजेस, लैंग्वेज में आपको दिखाता हूँ। टाइपिंग लैंग्वेजेस, Arabic 1 of 3, English Arabic आ गई है इसमें, Spanish 2 of 3, Spanish आ गई है, Czech Unified English Braille 3 of 3, Okay English है इसमें Braille, Cancel but off button, off, Okay मैं इसको okay Braille keyboard, See all gestures, इसमें भी gestures हैं, Layout adapt to how you hold the device, Layout adapt okay. to include all pressed dots, each pressed dot is part of the input even if the dot is released before other dots on switch. Reverse dots, swap the dot positions so that dots 1 and 4 trade places, for example off switch.
टाइपिंग फीडबैक, टाइपिंग इको, रीड ऑल लेटर्स एंड वर्ड्स। ओके, ये इको बताएगा, इसमें हम कर देंगे तो। आउट ऑफ लिस्ट टू रिकॉर्डर। ओके, वापस से मैं बैक आ जाता हूँ। टॉक बैक सेटिंग, कवर प्रॉक्सिमिटी सेंस, ब्रेल कीबोर्ड, कवर प्रॉक्सिमिटी सेंसर टू स्टॉप स्पीच ऑन स्विच, ट्यूटोरियल एंड हेल्प। ट्यूटोरियल एंड हेल्प में जाते हैं। ट्यूटोरियल एंड हेल्प, ट्यूटोरियल इन लिस्ट, ट्यूटोरियल प्रैक्टिस गेस्चर्स, ट्यूटोरियल। इसके ट्यूटोरियल देखते हैं। टॉक बैक ट्यूटोरियल, नेविगेट। अच्छा, यहाँ से भी हम इसके ट्यूटोरियल देखते हैं, और वो जो पीछे था वो गेस्चर्स थे कि हम कैसे यूज कर सकते हैं फिंगर से। टॉक बैक ट्यूटोरियल, स्वाइप राइट टू सेलेक्ट अ टॉपिक, बेसिक नेविगेशन, मूव बिटवीन आइटम्स, स्क्रॉल, यूज मेन्यूज। ओके, ये बेसिक नेविगेशन के बारे में बताएगा, तो इसमें देखते हैं बेसिक में क्या क्या चीजें ये कवर करते हैं। वेलकम टू टॉक बैक, नेविगेट अप। Welcome to TalkBack, page 1 of 5. TalkBack is a screen reader intended for situations or people who have difficulty seeing the screen. It gives you spoken feedback so that you can use your device without looking at the screen. You can turn TalkBack on or off by holding both volume keys for several seconds. When TalkBack is on, the focused item on the screen is spoken out loud. Swiping right will move to the next item and swiping left will move to the previous item. Swipe right now to find the next button. देखिए, इसने टॉकबैक के बारे में बताया कि ये मतलब किस तरीके का डिवाइस है, ये जिनको विजुअली इम्पेयर्ड हैं ये बेसिकली वो यूज़ करते हैं इनको, और कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसने इसमें ये भी बताया कि हम राइट स्वाइप करेंगे तो हम आगे जाएंगे, लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो हम पीछे जाएंगे, तो ये भी चीज़ इसमें बताई है इसने। नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट देखते हैं। एक्सप्लोर पेज 2 ऑफ 5. You can focus on an item by dragging your finger across the screen. Try this now by touching the screen and dragging toward the bottom left corner until you find the next button. Next button. Next. Scrolling. Navigate up button. Scrolling. Scrolling. Page 3. You can scroll by swiping with 2 fingers. Try this now by swiping up with 2 fingers until you scroll to the bottom of the list items. Item 1. 1 of 8 in list 8. Item 2, 2 of 8, next button out of, system action, page 4, to open notifications, swipe down from the top of the screen with 2 fingers. Then you can close notifications by swiping back up with 2 fingers. Try it, next button. Menu and control, finish button. आप इनको पढ़ सकते हैं, talk back tutorial, basic nap. तो आगे देखते हैं इसमें और क्या-क्या चीजें हैं. टेक्स्ट एडिटिंग, टाइप सेलेक्ट एडिट एंड टेक्स्ट एडिटिंग के बारे में बताएगा इसमें, ये इसकी हेडिंग है। रीडिंग नेविगेशन, रीडिंग नेविगेशन हम कैसे कर सकते हैं। वॉइस कमांड्स, कंट्रोल टॉप। ओके, वॉइस कमांड हम कैसे दे सकते हैं फोन को। प्रैक्टिस गेस्चर्स, ट्राई। ओके, ये प्रैक्टिस हैं, तो ये चीजें हैं इसमें काफी अच्छी सी हैं। नेविगेट अप बटन, एक्सप्लोर करेंगे, ट्यूटोरियल एंड हेल्प, ट्यूटोरियल इन लिस्ट, काफी अच्छा है टॉकबैक 9.1। प्रैक्टिस गेस्चर्स, हेल्प और फीडबैक, ये हेल्प और फीडबैक है इसमें। Navigate up button, talk back settings, advanced settings, advanced setting, advanced setting में हम जा करके अपने हिसाब से कर सकते हैं इसमें भी। Open talk back at the Play Store, current talk back version 9.1. Okay, ये अभी 9.1 है, हम यहाँ पे talk back setting में सबसे नीचे आकर के चेक कर सकते हैं कि हमारा talk back 9.1 है या कौन सा भी चल रहा है, तो वापस से मैं back आ जाता हूँ। Move to app, talk back menu, talk back menu, actions, nav, screen, voice com, talk back settings, text to speech settings, text to speech settings, text to speech setting रह गया था हमारे में अभी, तो मैं इसमें दिखाता हूँ। text to speech, preferred engine, Google text to speech engine 2 of 7 in list 7 items। यहाँ पे जितने भी आपके पास preferred engine होंगे तो वो यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास, फिर आप यहाँ से easily अपना select कर सकते हैं, auto TTS चलाना है या eloquence चलाना है या सैमसंग के आते हैं वॉइस इंजन या फिर गूगल का है, आपको जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके चला सकते हैं। सेटिंग्स बटन, लैंग्वेज हिंदी इंडिया 3 of 7, स्पीच रेट 5 of 7, स्पीच रेट से हम वो बता रहा है 16%, स्पीच पिच 6 of 7, पिच भी बता रहा है 20%, प्ले बटन, रीसेट बटन, प्ले बटन, यह हिंदी में भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है। ओके, रीसेट बटन, ठीक है, यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। मोटो ऐप लॉन्चर, तो What? हमने देखा कि टॉकबैक 9.1 में यही था इतना ही, और
आगे के लिए देखते हैं कोई नया वेबिनार हम आपके लिए और लाएंगे। ओके गाइस, टॉकबैक 9.1 में इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।